हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12th एक्सरसाइज 4G का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए फटाफट से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? एक्स वाई जेड सुनेत्तर संख्याएं हो तो आव्यूह ए एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड का व्युत्क्रम बताइए। तो हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सारणिक ए निकालेंगे, एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड। आर वन से विस्तार करेंगे तो एक्स उठाएंगे, इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे, वाई जेड माइनस जीरो, वाई जेड माइनस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। तो सारणी के का मान आ गया एक्स वाई जेड। अब ये हमें मालूम है शून्यत्तर संख्याएं हैं, तो लिखेंगे चूंकि सारणी के नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए ए इनवर्स संभव है। और अगर ए इनवर्स संभव है तो तुरंत हम लोग शाखंड बना लेते हैं। शाखंड ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। ये माइनस का माइनस का माइनस का और माइनस का। ए वन वन पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपा लेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपा लेंगे तो वाई जेड माइनस जीरो यानी वाई जेड आ गया हमारे पास। ए वन टू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपा लेंगे जीरो जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ए वन थ्री पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपा लेंगे तो जीरो जीरो तो यहाँ आ गया जीरो। ए टू वन दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छिपा लेंगे जीरो जीरो ए टू टू वाई उठाया इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपा लेंगे एक्स जेड जीरो तो एक्स जेड माइनस जीरो अर्थात एक्स जेड। ए टू थ्री ये छिपाया ये छिपाया जीरो जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ए थ्री वन तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जीरो माइनस जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ भी आ जाएगा जीरो। और ये छिपाया तो एक्स वाई यहाँ पर आ गया एक्स वाई तो हमारा एडजॉइंट निकल कर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर वाई जेड जीरो जीरो
जीरो एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई, डैश लगा दिया, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो और जीरो जीरो एक्स वाई। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकाल लेंगे। ए इन्वर्स बराबर वन अपॉन सारणी के इंटू एडजॉइंट है, वन अपॉन एक्स वाई जेड एडजॉइंट ए का मान निकल कर आ गया हमारे पास वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई। जब एक्स वाई जेड को पहली पंक्ति में ले जाएंगे तो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, बटे में बचेगा एक्स, तो एक्स को हम बटे में एक्स है इसलिए एक्स की पावर माइनस एक जीरो 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 वाई की पावर माइनस एक जीरो 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 जेड की पावर माइनस एक। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से इसको लगाएंगे। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि ए हमको दे रखा है आव्यूह ए, एक साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा एक साइन थीटा माइनस एक माइनस साइन थीटा एक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट ए यानी सारणी के एक साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा एक साइन थीटा माइनस एक माइनस साइन थीटा एक। एक उठाया, इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे, एक एकम एक माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये उठाया तो इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लिया, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का एक छिपाया ये पंक्ति और ये स्तंभ छिपा लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक। वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट एक जैसे हैं तो टू ब्रैकेट में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे हो गया देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम है तो इन ब्रैकेट को हमने क्या लिख दिया, टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
और ये यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, जीरो। तो माइनस का जीरो, टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखिए थीटा बराबर जीरो, पाई और टू पाई। तो थीटा का मान अगर जीरो होगा तो टू ब्रैकेट में वन प्लस जीरो दो आ गया, कब, जब थीटा बराबर जीरो, ठीक है। और अगर जीरो नहीं होगा, पाई और टू पाई होगा, तो साइन 180 का मान एक होता है, वन प्लस वन। जब साइन का मान पाई या टू पाई हो तो दो दो चार, दो और चार हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा, सत्य। यहाँ पर टिक कर देंगे हम लोग, डिटरमिनेंट है एलिमेंट दो और चार, ठीक है, इनके बीच में ही हमारे आंसर आएंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट ए जो है वो दो से लेकर चार तक ही हमारा उत्तर प्राप्त हो सकता है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, सिद्ध कीजिए सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। तो सारणिक बनी क्या है हमारे पास, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x वन कॉस थीटा वन एक्स। ये हमारा सारणिक है, कह रहा है कि दिखाइए कि ये थीटा से स्वतंत्र है, यानी जो उत्तर आएगा उसमें थीटा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, विस्तार कर देते हैं इसका, R1 से विस्तार। तो R1 से विस्तार करेंगे तो x उठाएंगे, x से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन, फिर अगला उठाएंगे माइनस का साइन थीटा इसकी पंक्ति और स्तंभ छिपा लेंगे, माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फिर अगला है प्लस का कॉस थीटा, तो इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा,
माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कट गए, आंसर आ गया माइनस का एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर में हमारे पास थीटा नहीं बचा हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह थीटा से स्वतंत्र है। चलिए बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारणिक का प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। सिद्ध करना है एक 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये हमको प्रूफ करना है और विस्तार नहीं करना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम LHS लेंगे, और यहाँ पर गुणा करेंगे R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से। जो गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे, A B C R1 में A से गुणा करेंगे तो A बन जाएगा A स्क्वायर, A स्क्वायर बन जाएगा A क्यूब, यहाँ आ जाएगा ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब ये ए बी सी हमारा बाहर आ जाएगा, ए बी सी ए बी सी। देखिए सी थ्री से हमने ए बी सी बाहर ले लिया, यहाँ बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, वन वन वन। ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है पहले वन वन चाहिए, फिर स्क्वायर चाहिए, फिर क्यूब चाहिए। तो हम C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन वन वन, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब क्या करेंगे, C1 इंटरचेंज C2, तो फिर से सारणी का मान बदल जाएगा, जो माइनस था वो क्या बन गया, प्लस बन गया, वन 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 यहाँ आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा आ गया आर एच एस। तो एल एच एस हम लोगों ने उठाया था और बिना विस्तार के हम लोगों ने इसको लगा दिया है और हमारे पास आर एच एस आ गया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सारणिक बनी हुई है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में कॉस अल्फा हमको मिल जा रहा है और तीसरी पंक्ति में साइन अल्फा कॉमन मिल जा रहा है। हर जगह तो नहीं है लेकिन हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आर वन से हम कॉस अल्फा और आर थ्री से साइन अल्फा बाहर निकाल लेंगे। तो कॉस अल्फा बाहर आ गया, क्या बचा कॉस बीटा, यहाँ आ गया साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, क्योंकि साइन के पास कॉस था नहीं और जिसके पास नहीं होता है उसके बटे में पहुंच जाता है। माइनस का साइन बीटा यूं ही कॉस बीटा और ये जीरो। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन अल्फा कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा कॉस बीटा, यहाँ बचेगा साइन बीटा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। अब देखिए R1 में से हम घटा लेंगे R3 को, R1 चेंज R1 माइनस R3, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। घटा लीजिए, कॉस बीटा में कॉस बीटा चला जाएगा जीरो, साइन बीटा में साइन बीटा चला जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। ठीक है, माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा जीरो कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। अब देखिए आर वन से विस्तार कर देते हैं, आर वन से विस्तार, तो आर वन से विस्तार करेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यूं ही रहेगा ब्रैकेट में जीरो माइनस जीरो और ये पद उठा लेंगे माइनस का टेन अल्फा माइनस का कॉट अल्फा। ठीक है, ये पद उठा लिया, देखिए ये पद उठा लिया हम लोगों ने
साइन बटे कॉस 10 माइनस का 10 और माइनस का कॉट अल्फा, और इसको ये छिपाया, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, इस पंक्ति को छिपाया और इस स्तंभ को छिपाया, तो माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस माइनस, देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो जो बाहर माइनस था वो क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ लासा ले लेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कट गया बचा साइन, तो साइन की यहाँ गुणा कर दी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन, ये वन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, इससे ये कट गया, आंसर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसका मान क्या होता है, एक। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।